हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आप सभी के लिए लेकर चले आया हूँ रियलमी C53 का अनबॉक्सिंग। दोस्तों मोबाइल काफ़ी अच्छा है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो आप बॉक्स के साइड में अब आप देख सकते हो रियलमी C53 इसमें लिखा है और पीछे की तरफ में 108 मेगापिक्सल और कुछ सब कुछ इसमें दिया हुआ है और साइड में रियलमी लिखा है। तो चलिए मैं बहुत ही जल्दी इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर दूं। और 4 GB रैम 128 GB रोम है मेरे पास। तो चलिए मैं इसको बहुत ही जल्दी इसको अनबॉक्सिंग कर दूँ और उसके बाद अंदर में क्या क्या है आप सभी को मैं दिखाऊँगा। और दोस्तों इसका जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है वो कैसा देखने में है वो आप सभी को मैं कैमरा का पिक्चर उठाकर दिखाऊंगा और इसका वीडियो का क्वालिटी भी आप सभी को मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो ऊपर में आप सभी देख सकते हो एक पेपर इसमें दिया हुआ था जो उसमें 108 मेगापिक्सल इसमें पिक्चर जो कैमरा का दिया हुआ था। तो अनबॉक्सिंग मेरा हो चुका है मोबाइल का। तो मैं सबसे ऊपर में आप सभी देखिए इसमें कुछ पिन इजेक्टर दिया हुआ है सिम का और क्या है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो आप सभी देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें गाइडलाइन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। और देखिए इसमें एक प्लास्टिक का एक केस दिया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत दिन चलता है तो काफ़ी ठीक ठाक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख कर मोबाइल को निकल कर अंदर में क्या है आप सभी को दिखाऊँगा। सबसे ऊपर में आप सभी देख सकते हो इधर में दो चार्जिंग पोर्ट है, ये 18 वाट का इसमें दिया हुआ है, एक काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ और क्या है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर में आप सभी देखिए जिसका जो केबिल इसमें दिया हुआ है तो ये टाइप सी केबिल है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ और क्या है आप सभी को दिखाऊँगा। फ़िलहाल और कुछ नहीं है। तो आप मोबाइल देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, जो इसका जो कलर है गोल्ड कलर। तो मैं इसको प्लास्टिक से मैं हटा दिया हूँ। उसके बाद आप सभी देखिए कैसा है, बहुत ही अच्छा देखने में है इसका लुक। और दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो नीचे में नाम दिया हुआ है, आप सभी देख ही लीजिए। तो देखिए मोबाइल काफ़ी देखने में लुक बहुत ही अच्छा है। तो साइड में आप सभी देख सकते हो इधर में तो काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं इसका जो पीछे के तरफ में जो एक प्लास्टिक जो स्टिकर था तो मैं उसको हटा दिया हूँ। उसके बाद देखिए और भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पीछे के तरफ में आप सभी देख सकते हो इसमें दो कैमरा और एक फ्लैश लाइट इसमें दिया हुआ है, 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल इसमें कैमरा दिया हुआ है। तो मैं आप सभी को कुछ और दिखा देता हूँ जो इसका जो सिम के इसमें दिया हुआ है। तो आप सभी देखिए इसमें सिम आपको कितना आप यूज़ कर सकेंगे तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो इसका जो सिम ट्रे है वो कैसा आपको मिलेगा। तो मैं इसका जो सिम इजेक्टर पिन है तो उससे मैं आप सभी देखिए जो इसका जो सिम इजेक्टर ट्रे है जो ट्रे आप सभी को दिखाऊंगा। तो आप सभी देखिए इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका जो स्क्रीन का जो साइज की जो बात करें इसमें 6.74 इंच HD LCD डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है। तो मैं मोबाइल को बहुत ही जल्दी ऑन कर लेता हूं, उसके बाद बहुत ही जल्दी आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो आप साइड में देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसका जो बैटरी का जो इमेज इसमें दिया हुआ है 5000 mAh इसमें बैटरी दिया हुआ है। तो मैं बहुत ही जल्दी इसको सेटअप कर लेता हूँ। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो 612 ऑक्टा कोर 1.82 GHz इसमें दिया हुआ है। और मेरे पास जो है 4 GB और 128 GB, आप चाहे आप 6 GB 128 GB आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी अवेलेबल है। तो आप सभी देखिए, तो मैं इसको बहुत ही जल्दी मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद और क्या क्या है आप सभी को मैं दिखाऊँगा अंदर में। तो मोबाइल सेटअप हो रहा है, तो मोबाइल सेटअप हो गया है। तो आप सभी देखिए तो इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छा है। तो आप सभी देख सकते हो मैं इसको पूरा दे रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऊपर के साइड में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं सेटिंग में डायरेक्ट चला जाता हूँ। उसके बाद और क्या है आप सभी देखिए, तो आप सभी देख सकते हो इधर में जो एंड्रॉयड वर्सन जो इसमें 13 इसमें दिया हुआ है तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये काफ़ी ठीक ठाक है। तो आपको नया भी अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।
तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ। तो आप देखिए इसमें 4 GB रैम इसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, तो आपको टोटल आपको 8 GB रैम आपको मिल जाएगा, तो ये काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं आप सभी को और वॉल्यूम वगैरह में जाकर आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ कि इसका जो सेटिंग जो है वॉल्यूम में तो कैसा दिया हुआ है। तो आप सभी देखिए इसमें तो काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ। इसके साथ जो एक प्लास्टिक का जो कवर इसमें दिया हुआ है आप सभी को मैं दिखा देता हूँ तो कैसा देखने में है। तो आप सभी देखिए जब इसमें आप इसमें यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप सभी देख सकते हो इसका लुक और भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा है, हाथ में जब आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ कि इसका चार्जिंग कैसे देना पड़ेगा। इसका जो एडिप्टर है आप सभी को मैं दिखा दूँ तो कैसा लगता है। इसका जो सामने में जो स्क्रीन है ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसको चार्जिंग में देंगे। तो आप सभी देखिए मैं आप सभी को दिखा दूँ, पहले मैं इसको थोड़ा प्लास्टिक का जो कवर थोड़ा मैं उसको हटा दूँ तो अच्छा लगेगा। देखिए तो मैं और एक बार आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ, देखिए तो आप सभी देखिए तो ऊपर के साइड में इधर में कुछ चार्जिंग वगैरह जो परसेंट वो आपको दिखाएगा, ये देखने में काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत ही अच्छा बात है कि 108 मेगापिक्सल कैमरा जो इतनी कम बजट में दे रहा है ये बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सभी को और कुछ आप सभी को दिखा दूँ इसका जो कैमरा क्वालिटी है कैसा है। तो इसका जो बैक कैमरा है जो उसके हम नॉर्मल में वहाँ से मैं कुछ पिक्चर उठाकर आप सभी को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका जो 108 मेगापिक्सल है उसका भी आप सभी को मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो आप सभी देखिए तो इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, रियलमी वैसे पिक्चर क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी देखिए तो बहुत ही क्लियर आया है इसका पिक्चर। तो और भी कुछ पिक्चर आप सभी को मैं दिखा दूँ उसका भी ठीक ठाक है काफ़ी, तो आप सभी देख सकते हो। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ जो इसका जो 108 मेगापिक्सल है। तो आप सभी देखिए मैं उसमें सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद कुछ पिक्चर उठाऊँगा तो इसमें कैसा इसका जो पिक्चर है तो आ रहा है आप सभी देखिए 108 मेगापिक्सल कैमरा। मैं और भी एक कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। तो आप सभी देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है, तो इसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है। तो कैमरा की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं आप सभी को और कुछ दिखा देता हूँ इसका जो वीडियो प्ले वो कैसा है, इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो मैं इसमें सिम लगा दिया हूँ, उसके बाद आप सभी देखिए मैं यूट्यूब में प्ले करके कुछ वीडियो प्ले करके आप सभी को दिखाऊंगा कि इसका रिजोल्यूशन कैसा दिया हुआ है। तो मैं एक कोई भी HD कोई वीडियो मैं इसमें प्ले करूँगा। तो मैं यही वीडियो कोई प्ले कर लेता हूँ तो आप सभी देखिए तो इसका जो रिजोल्यूशन है मैं आप सभी को और कुछ दिखा दूँ। तो आप सभी देखिए इसमें 720 में प्ले कर रहा हूँ, तो आप सभी देखिए जो इसका जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक है आप सभी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चल रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए जो आपको क्या क्या अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हो, और मेरा अनबॉक्सिंग अगर अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी कोई नया नया अच्छा अनबॉक्सिंग लेकर बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। तो आप सभी देखिए पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है। तो मैं दोस्तों आप सभी को और कुछ बता देता हूँ, इसके जो सामने में जो कैमरा है फ्रंट कैमरा है इसमें 8 मेगापिक्सल इसमें दिया हुआ है, और ये नेटवर्क टाइप है 2G 3G 4G 5G मोबाइल नहीं है, 4G है। तो आप परचेस कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, बाय बाय।